ग्रहण का साया कभी भी शुभ नहीं माना गया, हमेशा ग्रहण का प्रभाव देखा गया है। ग्रहण की वजह से तबाही मची है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष दुनिया में सूर्य पिता कहलाए गए और चंद्रमा माँ के समान मानी गई, और जब जब ग्रहण के साए में सूर्य और चंद्रमा आए, दुनिया ने कंपन महसूस की। प्राकृतिक आपदाओं ने कोहराम मचाया और देखते ही देखते ग्रहण के साए में मानव जाति का नुकसान हुआ। विज्ञान भले ही ग्रहण को एक खगोलीय घटना के चश्मे से देखे, लेकिन धर्म ग्रंथों से लेकर ज्योतिष विद्या में ग्रहण को अशुभता से जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य, जिन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का कारक माना गया है, तो वहीं चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है, माँ के समान माना गया है, शीतलता से जोड़ा गया है, और जब इन्हीं पर राहु केतु की छाया पड़ती है तो आम जनमानस के जीवन में उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। ताजा उदाहरण 2019 के आखिर में पड़ने वाले दो ग्रहण का ले लीजिए। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण और 26 दिसंबर को चंद्र ग्रहण था। शास्त्रों के अनुसार पौष मास पर आए गए दो ग्रहण एक पखवाड़े में सूर्य और चंद्र अगर एक साथ आ जाएं तो धरती पर एक बड़ी आपदा आती है। नतीजतन 3 महीने बाद कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी और उसके बाद ही लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह 2022 के अंतिम दो ग्रहण का भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। बीते साल 15 दिनों के भीतर भीतर दो ग्रहण देखे गए। कहते हैं इस तरह का संयोग महाभारत काल में देखा गया। यहाँ तक कि ज्योतिष भी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि एक पखवाड़े में पड़ रहे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से विश्व में कोई बड़ी आफत आ जाएगी, और नतीजतन ऐसा ही हुआ। इस वक्त पड़ोसी मुल्क चीन कोरोना की मार से बेहाल है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चीन में कोहराम मचा रखा है। आलम यह है कि भारत पर भी अब फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। तवांग में हुई हिंसक झड़प के चलते भारत और चीन आमने सामने आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग भीषण होती जा रही है। ऊपर से उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप से कपकपाने वाली ठंड बढ़ती जा रही है। देश भर के ज्योतिषों की माने तो 2022 के अंतिम दो ग्रहणों की वजह से अप्रिय घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2022 की तुलना में ग्रहण की छाया 2023 में भी तांडव मचाएगी? 2023 में पड़ने वाले दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं? 2023 में क्या भारत किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार होगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आइए जानते हैं 2023 में कब कब पड़ रहे हैं ग्रहण, कब कब पड़ेगा सूर्य ग्रहण। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगेगा। ग्रहण का समय सुबह 7:05 से शुरू होकर दोपहर 12:21 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लिहाजा सूतक काल भी नहीं मान्य होगा। इसके अलावा दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ये ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। रात में 8:34 से ग्रहण शुरू होगा, जो रात 2:25 पर खत्म होगा। ये ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका के अलावा उत्तरी अफ्रीका और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। कब कब पड़ेगा चंद्र ग्रहण? पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगेगा। भारत में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा, इस कारण से यहाँ सूतक काल भी मान्य होगा। हालांकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व यूरोप, हिंद और प्रशांत महासागर और अटलांटिक व अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण रात 8:45 से शुरू होगा और देर रात 1 बजे पर समाप्त हो जाएगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को रात 1:06 से 2:22 तक लगेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में भी नजर आएगा, इस कारण सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। देखा जाए तो इस साल 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसका असर खासकर भारत पर ना के बराबर बताया जा रहा है। हालांकि ज्योतिषों का ऐसा कहना है, जो कि साल 2023 की शुरुआत रविवार से हुई है, इसीलिए पूरे साल सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य के प्रभाव से देश एवं समाज में मान सम्मान, ख्याति, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस साल सूर्य की पूजा करने वालों को विशेष लाभ होगा।
इस वर्ष न्याय के देवता शनि देव 17 जनवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2.5 वर्ष का समय गुजारेंगे। नवसंवत विक्रमी संवत 2080, जिसे हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, इसका राजा व्यापारी वर्ण का देवता युवराज बुध ग्रह है और मंत्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र है। इस वर्ष व्यापारियों के रोजगार धंधे में खूब तेजी रहेगी। बाजार में तेल, घी, खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जियों, लकड़ी, लोहा, स्टील, जस्ता, तांबा और दालों की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके फलस्वरूप देश में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। वहीं दूसरी तरफ शिव की नगरी काशी से पंडित संजय उपाध्याय इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये साल भारत के लिए बेहद शुभ होगा। इसके अलावा ग्रहों के चाल बता रहे हैं कि कोरोना का असर भी भारत पर नहीं पड़ेगा। भारत आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, हालांकि राजनीति में उथल पुथल मची रहेगी। इन सब में काम की बात यह है कि ग्रहण की काली छाया का असर भारत पर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ग्रहण पड़ने पर धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, इस पर एक नजर डालते हैं। ग्रहण काल में क्या न करें। ग्रहण के दौरान कभी भी कोई शुभ काम या देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान न ही भोजन पकाना चाहिए और न ही कुछ खाना पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं का ग्रहण नहीं देखना चाहिए और न ही घर से बाहर जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधे नहीं छूने चाहिए। ग्रहण के दिन क्या करें। ग्रहण शुरू होने से पहले यानी सूतक काल प्रभावी होने पर पहले से ही खाने पीने की चीजों में तोड़े गए तुलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान इसके असर को कम करने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए।